हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम इस प्रश्न को हल करेंगे। यह प्रश्न है क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 से। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग का मतलब यहाँ पर बर्तनों से ही है, तो प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से तीन अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नग का मतलब बर्तन से ही है और हमसे यहाँ पर बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत पूछी गई है। तो जो हमसे पूछा गया है हम उसी को एक्स और वाई मान लेते हैं। तो माना बर्तनों की संख्या एक्स तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत वाई। अब यहां पर हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो यहां पर हमें कुछ स्थितियां दी हुई हैं, उन स्थितियों के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। तो प्रथम स्थिति में यहां पर दिया हुआ है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत को हमने माना है y, तो y प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यानी कि x के दुगने से तीन अधिक थी। तो x के दुगने यानी कि इसका दो का मल्टीप्लाई करेंगे और उससे तीन अधिक थी। एक बार वापस देखते हैं, हमको प्रथम स्थिति में दिया हुआ था एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत के लिए हमने y लिख लिया, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, तो बर्तनों की संख्या x है तो उसका दुगना यानी कि 2x से 3 अधिक थी। तो यहाँ पर हमने अधिक के लिए 3 जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह हमारा पहला समीकरण बनकर तैयार हो गया। तो हमने इस समीकरण को नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय स्थिति में हमें क्या दिया हुआ है। तो द्वितीय स्थिति में हमको दिया हुआ है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो यहां पर हम लिखेंगे कुल लागत बराबर 90। अब कुल लागत को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें यहां पर बर्तनों की संख्या दी हुई है x और प्रत्येक बर्तन को बनाने में जो खर्चा आया है वो हमको y दिया हुआ है। तो हमें अगर कुल खर्चा निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, बर्तनों की संख्या में प्रत्येक नग के निर्माण लागत से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 टॉफी हैं और हरेक टॉफी का मूल्य 5 रुपये है, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा सभी टॉफियों का। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम टॉफियों की संख्या में प्रत्येक टॉफी के मूल्य से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी कि 5 का हम 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह हमको यहाँ करना है, कुल लागत निकालने के लिए हमें बर्तनों की संख्या में प्रत्येक नग की निर्माण लागत से मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो यहाँ से हमको कुल लागत मिल जाएगी, यानी कि बर्तनों की संख्या हमको दी हुई है एक्स और प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमको दी हुई है बाई। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कुल लागत आएगा और कुल लागत हमको दी हुई है 90 रुपये। तो इस तरह हमारा समीकरण 2 तैयार हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम बाई का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान यहाँ पर दिया हुआ है y बराबर 2x प्लस 3। तो यहाँ पर हम y की जगह 2x प्लस 3 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x मल्टीप्लाई y की जगह 2x प्लस 3 बराबर 90। अब यहाँ पर हम x का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। अब यहाँ पर हम 90 को राइट से लेफ्ट में लेके आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। तो ये अब हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। अब हम इसे मध्य पद विभक्त करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमको 90 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जिससे कि 180 आएगा। अब हमें 180 के गुणनखंड इस प्रकार करने हैं कि उनको घटाने पर 3 आए।
तो ऐसे गुणनखंड 15 और 12 हैं, क्योंकि 15 और 12 का गुणा करने पर 180 आता है और 15 में से 12 को घटाने पर 3 प्राप्त होता है। अब हम इस तरह आगे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3 की जगह हम लिख सकते हैं 15 माइनस 12 एक्स माइनस 90 बराबर 0। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस एक्स का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इसके बाद यहाँ x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पर 2x प्लस 15 और यहाँ पर माइनस के हम 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस सॉरी प्लस 50, क्योंकि हमने माइनस के 6 कॉमन लिया है तो प्लस के आएंगे, इक्वल टू 0। और इसके बाद 2x प्लस 15 दोनों में कॉमन है तो हमने 2x प्लस 15 कॉमन ले लिया और यहाँ पर हमको दूसरे ब्रैकेट में बचा x माइनस 6 बराबर 0। हमें यहाँ से x की दो वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पर जब हम 2x माइनस 15 इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमको x की क्या वैल्यू मिलेगी उसको देखते हैं। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, यहाँ से हम 15 को राइट में भेज सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर सॉरी 2x बराबर माइनस के 15 और x बराबर माइनस के 15 डिवाइड बाय 2, हमने 2 को उधर डिवाइड में भेज दिया है। एक तो x की ये वैल्यू आती है, इसके अलावा जब x माइनस 6 को हम 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से x बराबर 6 आता है। अब यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि x हमने क्या माना था, x हमने माना था बर्तनों की संख्या और बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये हमारा आंसर गलत होगा। हमारा सही आंसर होगा x बराबर 6। अब हमें y की वैल्यू और निकालनी है तो उसके लिए हम समीकरण एक में x का मान रख सकते हैं। समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण एक है हमारा y बराबर 2x प्लस 3। अब यहाँ पर हमें x की जगह 6 रख देना है तो y बराबर 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, यहाँ से y बराबर 12 प्लस 3 जो कि हो जाएगा 15, तो यहाँ से y बराबर 15 आया। तो y क्या था हमारा, प्रत्येक बर्तन का मूल्य। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अतः बर्तनों की संख्या 6 तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत 15 रुपये है। तो इस तरह हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आपको इस प्रश्न में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।